क्रिस्पी हो चुके हैं और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं, एकदम सौंधे सौंधे से। तो चलिए अब हम आलूओं को अलग बोल में निकाल लेते हैं। अब आलू में हम डालेंगे हल्का सा नमक, साथ में हम तीखेपन के लिए डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, और ये मैंने ले लिया है आधा चम्मच चाट मसाला। आप चाट मसाला की जगह मैगी का मैजिक मसाला जो होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। बस सभी को हम अच्छे से आलू में मिक्स कर देते हैं, तो इससे जो मसाले हैं आलू में बढ़िया से कोट हो जाएंगे और हमारे चटपटे फ्राई आलू बनकर के रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने ली हैं दो रोटियाँ, तो ये रात की बची हुई रोटियाँ नहीं हैं, आज की ही ताज़ी रोटियाँ हैं। तो आप इनको बची हुई रोटियों से भी बना सकते हैं, ताज़ी रोटियों से भी बना सकते हैं। दो रोटी मैंने इसलिए ली है, साथ में मैं आपको कुछ बताना भी चाहती हूँ। तो सबसे पहले एक रोटी में हम क्या करेंगे, चाकू की या फिर फोक ले लीजिएगा सबसे बढ़िया, उसकी मदद से छोटे छोटे से होल्स कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से कर लेने, फोक है तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर हमने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में तेल डाला है, तेल आप कोई सा भी ले सकते हो। तेल को हम बढ़िया से गर्म होने देंगे, तेल बहुत अच्छे से गर्म होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम वो रोटी डालेंगे जिसमें हमने होल्स नहीं किए थे। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप होल्स नहीं करेंगे ना तो रोटी बढ़िया फूल जाएगी। तो इस रोटी में छोटा सा कहीं से होल्स हो गया है जिसकी वजह से ये पूरी नहीं फूली है, वरना आप कोई भी रोटी डालिए बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूली फूली हो जाएगी। तो कभी घर पर कुछ सब्जी वगैरह ना हो तो इस तरह से रोटियों को तेल में तल लीजिए, बढ़िया क्रिस्पी हो जाएंगी ये। तो इनको आप अचार के साथ, टमाटर की भर्त के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं। जैसे हम लोग घर पर पपड़ियाँ बनाते हैं ना, कुरकुरी सी रख लेते हैं स्टोर करके, तो बस ऐसे ही आप रोटी को तल करके इन रोटियों को खा सकते हैं। तो चलिए ये तो हमारी फूली फूली रोटी हो गई, इसको हम निकाल लेते हैं। अब हम डालेंगे जिसमें हमने होल्स किए थे वो वाली रोटी डालेंगे, क्योंकि आज की हमारी जो रेसिपी है ना रोटी की, उसमें हमें रोटी को फुलाना नहीं है, इसलिए हमने इसमें होल्स कर दिए थे। तो ये देखिए ये रोटी फूली नहीं है, तो इसको भी हम बढ़िया सुनहरा होने तक तल लेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आधा से एक मिनट में रोटी आपकी बढ़िया क्रिस्पी हो जाएगी। तो ये रोटी भी हमारी क्रिस्पी हो चुकी है, कलर देखिए कितना प्यारा आया है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो ये रोटी क्रिस्पी होने के बाद इतनी टेस्टी हो जाती है कि आप इसमें नमक वगैरह कुछ भी ना मिलाएं, ऐसे ही खाइएगा, बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी रोटियां तल चुकी हैं। अब मैं आपको जो फूली हुई रोटी है ना उसको तोड़ करके दिखा देती हूँ कि कितनी क्रिस्पी हो चुकी है। ये देखिए आप इसकी आवाज़ से समझ पा रहे होंगे कि बहुत ही क्रिस्पी है। तो इस तरह से इसको खाने में बहुत मज़ा आता है। तो चलिए अब हम जो बनाने वाले हैं उसके लिए लेंगे हम बिना फूली हुई अपनी क्रिस्पी वाली रोटी। अब यहाँ पर मैंने लिया है पिज्जा सॉस। अगर आपके पास पिज्जा सॉस नहीं है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप यहाँ पर टोमेटो केचप का यूज कर सकते हैं। तो एक चम्मच हम पिज्जा सॉस लेंगे और इसको अच्छे से रोटी के ऊपर फैला देंगे। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक स्लाइस चीज, आप यहाँ पर मोज़रेला या फिर क्यूब चीज़ भी ले सकते हैं। तो इसको हम तोड़ करके डालेंगे। तो आज की जो हमारी रेसिपी है इसका नाम है रोटी पिज़्ज़ा चाट, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, पिज़्ज़ा से भी कहीं अच्छी आपको ये रेसिपी लगेगी। तो लीजिए हमने चीज़ को अच्छे से तोड़ तोड़ करके रोटी के ऊपर फैला दिया है। अब हमने जो आलू लिए थे ना फ्राई किए हुए, इन आलूओं को हम पूरी रोटी के ऊपर अच्छे से फैला देंगे, क्योंकि हम चाट बनाने वाले हैं ना, तो ये आलू भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है बारीक कटा हुआ प्याज और साथ ही में टमाटर ले लिया है। आप यहाँ पर शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास चाट वाली जो मटर होती है ना, आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो फिलहाल जो भी घर पर सब्जी हो आप उनको आराम से इसमें यूज कर सकते हैं। तो लीजिए मैंने प्याज टमाटर भी अच्छे से रोटी के ऊपर लगा दिया है और थोड़ी सी इसमें हम हरी मिर्च भी लगा देते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है पिज़्ज़ा ऑरिगेनो, तो थोड़ा सा हम ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देते हैं। अगर ऑरिगेनो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें चाट मसाला का इस्तेमाल किया है तो वो बहुत बढ़िया फ्लेवर देगा। तो जो चीज़ बचा हुआ था स्लाइस चीज़, उसको तोड़ करके हम एक लेयर ऊपर भी रोटी के लगा देंगे, तो अंदर भी बढ़िया मेल्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ भी मेल्ट हो जाएगा। तो लीजिए रोटी पिज़्ज़ा चाट बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने कढ़ाई ले ली है, आप कढ़ाई की जगह जो लोहे का तवा होता है ना रोटी वाला, वो ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस रोटी पिज़्ज़ा चाट को एक प्लेट में रख करके सीधे कढ़ाई में रख देंगे, कुछ भी हमने नमक वगैरह नहीं नीचे बिछाया है, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए, ताकि जो चीज़ है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाए
और हल्की सी हीट में जो प्याज वगैरह है ये भी अच्छे से क्रंची हो जाएंगी। आप रोटी वाले तवे पर भी इसको रख सकते हैं, कटोरे से कवर कर दीजिएगा, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। तो लीजिए लगभग 3 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो लीजिए तैयार है हमारी रोटी पिज़्ज़ा चाट, बहुत ही अच्छे से चीज़ मेल्ट हो चुका है, आपको मैं पास से दिखा देती हूँ। और ये देखिए देखने में कितना माउथ वाटरिंग लग रहा है और खाने में कसम से फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मतलब नॉर्मल आप जो पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं ना उससे भी ज़्यादा ये टेस्टी है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। अब इस रोटी पिज़्ज़ा चाट को हम खाएंगे कैसे, क्योंकि रोटी तो इतनी क्रिस्पी है कि ये तो पिज़्ज़ा कटर से शेप अप में नहीं टूटेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बस इसको तोड़ते जाइए रोटी को और एक एक टुकड़ा उठा करके इसको खाते जाइए। भाई ये चाट है तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम इसको खाएंगे।